हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास फाइव साइंस का चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स करेंगे इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास फाइव साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को तो देखें ही और साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें और हां एक और बात इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आर फर्स्ट टॉपिक वुड बी लेयर्स ऑफ अर्थ देन वी विल टॉक अबाउट रॉक्स टाइप्स ऑफ रॉक विच इंक्लूड इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एंड METAMORPHIC रॉक्स इसके बाद हम समझेंगे मिनरल्स विच इंक्लूड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स और नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फॉसिल फ्यूल्स नेक्स्ट सम यूजफुल मिनरल्स और आखिरी में मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक लेयर्स ऑफ अर्थ

ये सबसे हार्ड पार्ट होता है अर्थ का दिस क्रस्ट इज मोस्टली कवर्ड बाय सैंड सॉइल वॉटर एंड इवन आइस ये जो लेयर है अर्थ की ये ज्यादातर कवर होती है सैंड से सॉयल से वॉटर से और आइस से भी कवर होती है तो स्टूडेंट्स हम जिस पार्ट पे चलते हैं अर्थ के वो क्रस्ट होता है वी वॉक ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ सबसे आउटर लेयर पे हम चल रहे हैं अर्थ की, और अगर हम इसे डिक करना यानी खोदना शुरू करें वी विल रीच द हार्ड रॉक्स डीप बिलो कॉल द बेड रॉक तो अगर हम इसे खोदना शुरू करेंगे तो हम नीचे पहुंच जाएंगे बेड रॉक में यहां पे सारे हार्ड रॉक्स होते हैं तो ये है पहली लेयर अर्थ की जिसे कहा जाता है क्रस्ट अब इसी चीज को इस डायग्राम में देखिए ये स्टूडेंट्स ये जो आउटर मोस्ट सर्कल है ये ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे कहते हैं क्रस्ट ओके नाउ सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज मेंटल बिलो द क्रस्ट इज द लेयर कॉल्ड मेंटल तो क्रस्ट के नीचे लेयर होती है जिसे कहा जाता है मेंटल ये सेकेंड लेयर है अर्थ की दिस लेयर मेक्स अप ऑलमोस्ट परसेंट ऑफ द अर्थ तो ये लेयर अर्थ का ऑलमोस्ट 80% परसेंट एरिया कवर करती है आइए मैं इस चीज को आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूं ये देखिए स्टूडेंट्स ये जो लाइट ऑरेंज कलर का एरिया है इसे कहते हैं मेंटल ये सेकंड लेयर होती है अर्थ की और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है अर्थ का ऑलमोस्ट परसेंट ऑफ द अर्थ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज कोर दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ये अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट द आउटर कोर एंड द इनर कोर वॉट इज इनर कोर द इनर कोर इज हार्ड लाइक अ सॉलिड बॉल एंड इज मेड अप ऑफ मोस्टली आयरन एंड निकल तो जो इनर कोर लेयर है वो बिल्कुल हार्ड है जैसे कि एक बॉल होती है ना सॉलिड बॉल उतनी हार्ड है एंड इट इज मेडअप ऑफ आयरन एंड निकल बट द आउटर कोर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड इज मेड अप ऑफ मोल्टन मेटल पर जो आउटर कोर है वो बहुत ज्यादा गर्म है हॉट है और ये बनी हुई है मेटल से जो मेल्टेड स्टेट में जिसको हम कहते हैं पिघला हुआ मेटल है तो ये है तीन लेयर अर्थ की आइए अब इस थर्ड लेयर को भी हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ये देखिए ये जो येलो कलर है ये है आउटर को और ये है मेल्टेड स्टेट में यानी इट इज मेड अप ऑफ मोल्टन मेटल और जो ये वाइट आपको दिख रहा है एरिया इसे कहते हैं इनर को ये बिल्कुल हार्ड है सॉलिड बॉल की तरह हार्ड है तो ये थी सारी लेयर्स ऑफ द अर्थ नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट टॉपिक रॉक्स मिकल सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल तो रॉक्स बने होते हैं मिनरल से और मिनरल्स क्या होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स मिनरल्स के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में समझाऊ रॉक्स में कंटेन वन और मोर मिनरल्स इन देम तो जो रॉक्स हैं वो एक या एक से ज्यादा मिनरल से भी बने हो सकते हैं देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन से तीन मेन टाइप्स हैं रॉक्स के पहला है इग्नियस नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स तो आइए अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके सीखते हैं

ये सबसे पुराने इसलिए हैं क्योंकि ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बने होते हैं इग्नियस मीन्स फायर मेड इग्नियस वर्ड का मतलब है फायर मेड यानी जैसे मैंने आपको बताया ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बने हुए हैं आग से बने हुए हैं अब ये इग्नियस रॉक्स फॉर्म कैसे होते हैं वेन अ वालनो इन मैग्मा फ्लोज आउट एस लावा जब बॉल्केरप होते हैं तो मैग्मा बाहर निकलता है लावा की फॉर्म में और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब धीरे धीरे ये लावा ठंडा और हार्ड हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं यही चीज मैंने यहां लिखी है इग्नियस रॉक्स आर फॉर्मड बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मैग्मा जैसे कि आप इधर देखिए जब ये इधर हुआ, तो ये मैग्मा बाहर आ रहा है लावा की फॉर्म में अब जब धीरे धीरे ये जो मैग्मा है ये जो लावा है जब ठंडा हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा तो ये बन जाएंगे इग्नियस रॉक्स तो याद रखिए इग्नियस रॉक्स सबसे पुराने रॉक्स हैं और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इग्नियस रॉक्स के पहला एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स का ग्रेनाइट ऐसा दिखता है ये ग्रेनाइट नेक्स्ट प्यूमिस दिस इज प्यूमिस रॉक नेक्स्ट इज बिस एंड द लास्ट वन इज ऑप्सीडियन अब इन चारों एग्जाम्पल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे फर्स्ट इज ग्रेनाइट तो पहला इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट ग्रेनाइट इज फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन बिलो अर्थ सरफेस। तो अभी हमने पढ़ा था कि इग्नियस रॉक्स मैग्मा के ठंडे होने से और उसके हार्ड होने से बनते हैं तो ग्रेनाइट भी मैग्मा जब ठंडा हो जाता है जब बनता है पर ये बनता है अर्थ सरफेस के नीचे नाउ द थ्री मेन मिनरल्स फाउंड इन ग्रेनाइट आर क्वार्ट्स, माइका एंड फेल्सपा तो कौन से तीन मेन मिनरल्स पाए जाते हैं ग्रेनाइट में ये है तीन मेन मिनरल्स क्वार्ट्स, माइका एंड फेल्डा एंड रिमेंबर दैट ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक ये एक हार्ड रॉक होता है और स्टूडेंट्स आपने अपनी किचन में अगर आप जाके देखेंगे तो जो किचन स्लैब होती है जिसको हम किचन टॉप कहते हैं वहां पे ग्रेनाइट पत्थर ही लगा हुआ है डिडिंग ऑन क्वान्टिटी ऑफ फेल्स पार प्रेजेंट इन इट ये जो ग्रेनाइट पत्थर है ये बहुत ही अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है जैसे की वाइट कलर में ग्रीन कलर में पिंक कलर में ब्लैक कलर में तो ये रीजन इसका ये होता है क्योंकि जो फेल्स पार मिनरल इसमें प्रेजेंट है उसकी कितनी क्वांटिटी है उस वजह से इसका कलर अलग अलग होता है अब नेक्स्ट एग्जांपल इग्नियस रॉक्स का है प्यूमिस प्यूमिस इज अ लाइट वेट स्टोन फॉर्म्ड बाय लावा फ्रॉड तो ये जो प्यूमिस स्टोन है ये देखिए ऐसा होता है ये प्यूमिस स्टोन और ये बहुत ही लाइट वेटिंग स्टोन है बहुत ही हल्का होता है ये बहुत ही आसानी से आप इसको उठा सकते हैं और ये बनता है लावा फ्रॉथ यानी लावा के झाग से बनता है ये स्टोन और ये इतना लाइट क्यों होता है क्योंकि एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड दूम स्टोन विच मेक्स इट सो लाइट दैट इट कैन फ्लोट ऑन वॉटर ये इसलिए इतना हल्का होता है क्योंकि एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाती है जिस वजह से ये बहुत ही आसानी से पानी के ऊपर भी फ्लोट करता है स्टूडेंट्स एंड आई एम वेरी श्योर आपने ये प्यूमिस्टोन अपने घर में बाथरूम में जरूर देखा होगा इसको यूज करा जाता है एज अ स्क्रबर यानी हम अपनी फीट की जो हमारी फीट की डेड स्किन होती है उसको स्क्रब करने के लिए इसको यूज करते हैं और इसका यूज बिल्डिंग मटेरियल बनाने में भी होता है लाइट वेटेड बिल्डिंग मटेरियल जब हमें बनाना होता है तब ये प्यूमिस्टोन यूज होता है ना थर्ड इग्नियज Basalt बिसाल इज फॉर्म वेन लावा कूल्स डाउन रेपिडली ऑन अर्थ सरफेस बिसाल्ट जब बनता है जब लावा ठंडा हो जाता है पर अर्थ की सरफेस पे ठंडा होता है तो बिसाल्ट अर्थ सरफेस पर बनता है एंड इट इज फाइन ग्रेन एंड ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बिसाल्ट ब्लैक कलर का होता है और दूसरा ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बारीक ग्रेन यानी बारीक जैसे दाने से हमने चिपका दिए हों ये ऐसा लगता है देखने में एंड इट इज कॉमनली यूज इन बिल्डिंग ऑफ रोड्स ये रोड्स को बनाने में यूज होता है नाउ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स इज ऑप्सीडियन अब ऑप्सीडियन कैसे बनता है इट इज फॉर्मड व्हेन लावा कूल्स डाउन क्विकली जब वोल्केनो का लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है जब ऑब्सीडियन रॉक्स बनते हैं इट हैज अ स्मूथ एंड ग्लासी टेक्सचर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लैक कलर का होता है और ये बहुत ही स्मूथ बहुत ही चिकना और ग्लास जैसा टेक्सचर होता है इसका जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कितना शाइनी है राइट तो स्मूथ है और ग्लासी टेक्सचर है इसका और इसकी जो एजेस होती हैं, बहुत शार्प होती हैं। इसलिए इसे यूज करा जाता है टू मेक जूलरी एंड कटिंग टूल्स फॉर सर्जरी तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स विच इज सेडिमेंट्री रॉक्स स्टूडेंट्स सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो हमारी अर्थ का सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं हाँ जी ये सेडिमेंट्री रॉक्स अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं फॉर्म कैसे होते हैं दे सैंड पेबल्स एंड अदर सेडिमेंट्स कलेक्ट इन ओशंस ये बनते हैं जब सैंड पेबल्स मड क्ले और ऐसे ऐसे और सेडिमेंट्स जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं ओशंस में अब ये ओशंस में कैसे कलेक्ट होते हैं ड्यू टू इरोजन ड्यू टू इन पीसेस कॉल्ड सेडिमेंट्स तो इरोजन की वजह से जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जैसे कि वो टूट जाएंगे सैंड में पेबल्स में और इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्स

और धीरे धीरे न्यू सेडिमेंट्स कलेक्ट होते रहते हैं पुरानी सेडिमेंट यानी पुरानी लेयर्स के ऊपर ऐसे ऐसे इनकी लेयर्स बनती चली जाती हैं जैसे कि यहां आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो सेडिमेंट्स हैं ये ओशन में बह रहे हैं कलेक्ट हो रहे हैं जैसे कि सबसे नीचे देखिए ये सबसे नीचे सबसे पहली लेयर होगी फिर उसके ऊपर एक और लेयर बनी फिर एक और फिर एक और ऐसे करते करते बहुत सारी लेयर्स बनती चली गई जिससे कि जो नीचे वाली बॉटम लेयर है वो कंप्रेस हो जा रही है और वो टर्न हो जाती है इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स यही मैंने इधर लिखा है द ओल्डर लेयर बिकम कंप्रेस्ड एंड ड्यू टू प्रेशर इट टर्न इंटू सेडिमेंट्री रॉक्स तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं तो so स्टूडेंट्स अभी हमने फर्स्ट वे पढ़ा सेगिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन और प्रेशर अब एक और वे होता है सेकेंड वे जहां पे ये जो सेडिमेंट्स हैं ये सब आपस में जुड़ जाते हैं ड्यू टू मिनरल्स फाउंड इन वॉटर सो सेकेंड वे इज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म व्हेन सेडिमेंट्स सीमेंट टूगेदर बाय मिनरल्स फाउंड इन वॉटर नाउ लेट सी सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स फर्स्ट वन इज लाइम स्टोन नेक्स्ट वन इज कंग्लॉमरेट थर्ड वन इज सैंडस्टोन एंड लास्ट वन इज शेल तो आइए अब इन एग्जाम्पल्स के बारे में हम हाँ एक एक करके समझेंगे फर्स्ट इज लाइम स्टोन सो लाइम स्टोन इज अ फाइन ग्रेन्ड सॉफ्ट रॉक एंड इज मेड ऑफ मिनरल सच एज कैल्शियम कार्बोनेट तो ये जो लाइम होता है ये बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है और बहुत ही बारीक फाइन ग्रेन होता है और ये बना होता है मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कैलसाइड भी कहते हैं इट इज यूज नॉट ओनली एज अ बिल्डिंग स्टोन बट ऑल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ पेंट एंड सीमेंट इसे एज अ बिल्डिंग स्टोन भी यूज करा जाता है इससे पेंट और सीमेंट की प्रोडक्शन में भी हेल्प मिलती है और इससे हम ब्रिक्स और ग्लास बनाने में भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स आप सबने चौक तो देखा ही होगा सो यू कैन रिमेम्बर दैट चौक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन तो एक एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं लाइम स्टोन का एग्जाम्पल है चौक अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स का है कॉन्ग्लोमरेट इट इज ऑल्सो नोन एज पुडिंग स्टोन बिकॉज इट इज मेड ऑफ राउंडेड पेबल्स एंड कोस ग्रेवल सिमेंटेड टूगेदर बाय मिनरल्स तो ये ऐसा दिखता है कॉन्ग्लोमरेट इसे पुडिंग स्टोन भी कहा जाता है जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये बना हुआ है पेबल से बड़े बड़े पत्थर से और जिन्हें जोड़ा गया है या वो जुड़ गए हैं मिनरल्स की वजह से तो ये ऐसा दिखता है एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन शेड्स ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज ग्रे और ऑरेंज कलर में ही ये होता है एंड इट इज यूज एज बिल्डिंग मटीरियल इट इज ऑल्सो यूज एज एन ऑर्नामेंटल रॉक इसको एक सजावट के रॉक जैसा भी यूज करा जाता है और ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने के लिए भी इस पत्थर का यूज होता है नैक्स्ट टाइप ऑफ सेगमेंट्री रॉक इज सैंडस्टोन सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम सैंड पार्टिकल्स दट गेट सिमेंटेड टूगेदर तो जो ये सैंडस्टोन होता है ये बना होता है सैंड पार्टिकल से जो आपस में जुड़ गए हैं जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये सैंडस्टोन रेड कलर का होता है येलो कलर ब्राउन और पिंक कलर का भी हो सकता है ये और स्टूडेंट्स अगर आपने दिल्ली में रेड फोर्ट देखा है या आगरा में आगरा फोर्ट देखा है तो आप समझ जाएंगे कि सैंड स्टोन एक्चुअल में कैसे दिखता है क्योंकि ये दोनों मॉन्यूमेंट्स स्टैंड स्टोन से ही बने हुए हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज शेल शेल इज मेडअप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स दट आर फाइल लेटिकल से और शेल को हम मड स्टोन भी कहते हैं एंड ड्यू टू इट्स क्ले कंटेंट इट इज यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये होता है शेल और ये क्ले से बनता है इसी वजह से इसको टाइल्स और ब्रिक्स बनाने में यूज करा जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज ऑल्सो नोन एज मर्ड स्टोन तो अब हमने पढ़ लिया है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में नाउ आर नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स आर रॉक्स सो मेटामोल्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट मेटामोर्फिक ये टर्म का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म या चेंज इन फॉर्म तो क्या होता है कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये बन जाते हैं मेटामोर्फिक रॉक्स कैसे ड्यू टू हीट एंड प्रेशर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेटामोल्फिक रॉक्स बन जाते हैं नाउ सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटामोल्फिक रॉक्स आर फर्स्ट वन इज स्लेट सेकंड वन इज मार्बल नेक्स्ट इज नाइस यस हम इसको प्रनाउंस करते हैं नाइस एंड द लास्ट वन इज क्वाटाइट तो आइए अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे First, let's learn about slate. So, slate is a metamorphic rock which is made from shale. तो ये slate जो होता है वो shale से बनता है और अभी हमने पढ़ा था कि shale क्या होता है Yes, एक sedimentary rock होता है तो slate sedimentary rock shale से बनता है And slate is used to make slates and blackboard. तो आप अपने जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखते हैं वो इस पत्थर स्लेट से ही बनता है और ये स्लेट्स पहले जमाने में एज अ राइटिंग बोर्ड भी यूज करा जाता था नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज नाइस। तो नाइस कौन से रॉक से बनता है नाइस बनता है ग्रेनाइट से और ग्रेनाइट हमने पढ़ा था कि एक इग्नियस रॉक होता है और जैसे कि आप इधर इस पिक्चर में देख सकते हैं ये नाइस रॉक की पिक्चर है इसमें आप ये देख रहे हैं कि लाइट और डार्क बैंड्स बने हुए तो ऐसा ही होता है ये नाइस रॉक इट इज मार्बल मार्बल इज मोस्ट वाइडली यूज रॉक फॉर्म फ्रॉम लाइम स्टोन तो जो ये मार्बल होता है ये एक ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जो बनता है लाइन स्टोन से और लाइन स्टोन कौन से टाइप का रॉक होता है ये इट इज अगिमेंट्री रॉक मार्बल इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स वाइट बींग मोस्ट कॉमन तो जो ये मार्बल होता है ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है जैसे कि वाइट ब्लैक एक्सेट्रा बट व्हाइट जो होता है वो तो सबसे कॉमन मार्बल है पॉलिश मार्बल शाइन्स So, it is used to make statues and building. अगर इस मार्बल रॉक को पॉलिश कर दिया जाए तो बहुत अच्छे से शाइन करता है और इसी वजह से ये स्टैचूज और बिल्डिंग बनाने में यूज करा जाता है तो स्टूडेंट्स क्या आप एक ऐसे फेमस मॉन्यूमेंट के बारे में बता सकते हैं जो मार्बल से बना हो वाइट मार्बल से बना हो डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन फिक रॉक इज क्वाटाइट क्वाटाइट इज अटामोलफिक रॉक मेड फ्रॉम सैंडस्टोन तो ये क्वाटाइट बनता है सैंडस्टोन रॉक से और सैंडस्टोन कौन से टाइप का रॉक होता है ये सेडिमेंट्री रॉक होता है ना क्वजाइट इज टू हार्ड टू बी यूज एज बिल्डिंग मटीरियल सो इट इज यूज टू मेक स्टैचूज तो जो ये कॉड वॉक होता है ये बहुत ही हार्ड होता है तो इसको बिल्डिंग मटेरियल एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता इसलिए इसे यूज करा जाता है टू मेक स्टैचूज तो ये हमने पढ़ लिया मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में अब हमने रॉक्स एंड टाइप ऑफ रॉक्स ये हमने अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मिनरल्स वट आर मिनरल्स मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल रॉक्स सैंड एंड सोयल तो जो ये मिनरल्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इन्हीं की वजह से फॉर्म होते हैं रॉक्स सैंड एंड सोय जैसे कि हमने लाइम स्टोन के बारे में पढ़ा था कि लाइम स्टोन बनता है मिनरल विच इज नोन एज कैलसाइड ऐसे ही ये मिनरल्स होते हैं ये मिनरल्स केमिकल्स हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं तो यानी ये नेचुरल रिसोर्स हैं अब ये जो केमिकल्स यानी ये जो मिनरल्स हैं ये एज अ सिंगल केमिकल भी प्रेजेंट रह सकते हैं या आपस में जुड़कर कॉम्बाइन करके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं दो या दो से ज्यादा केमिकल्स की नाउ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स क्वार्ट्स माइका मैग्नेटाइट कैल्साइट डायमंड ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के और मिनरल्स क्या है नेचुरल रिसोर्स नॉ मिनरल्स कैन बी मेटालिक और नॉन मेटालिक तो पहले हम समझते हैं व्हाट आर मेटेलिक मिनरल्स मिनरल्स लाइक गोल्ड कॉपर सिल्वर एंड प्लैटिनम आर मेटालिक मिनरल्स तो हमें ये मिनरल्स जैसे कि गोल्ड कॉपर सिल्वर प्लैटिनम इन्हें कहा जाता है मेटालिक मिनरल्स दे आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स तो ये जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये इन्हें पाया जाता है उनके ओर्स से ही तो ओर्स क्या होते हैं बच्चों ये होते हैं बड़े बड़े रॉक्स जिनमें ये मिनरल्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं तो उन रॉक्स से इन मिनरल्स को निकाला जाता है दीस मेटल्स मनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स मशीन्स फर्नीचर वायर्स एंड क्वेंस तो इन मेटालिक मिनरल से बनाए जाते हैं यूटेंसिल्स यानी बर्तन मशीन्स फर्नीचर वायर्स और क्वाइंस भी राइट और जैसे कि ये जो प्रिशियस मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो बहुत ही महंगे होते हैं उन्हें यूज करा जाता है टू मेक ज्वलरी नाउ नेक्स्ट इज नॉन टेलिक मिनरल्स मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स तो कोल और पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स को नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है दे आर वेल्यूबल रिसोर्सेज एज दे कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू आर एनर्जी नीड्स तो ये जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल पेट्रोलियम ये बहुत ही ज्यादा वेल्यूबल रिसोर्स है क्यों क्योंकि ये हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करते हैं एंड दे आर एज फॉसिल फ्यूल्स तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं वो कैसे बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बरे डीप इनसाइड साइड अर्थ फॉर मिलियन ऑफ इयर्स तो जब प्लांट्स और एनिमल्स बहुत बहुत सालों तक अर्थ के नीचे दबे रहते हैं हमारी धरती के नीचे दबे रहते हैं जब वो जाकर बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स बट इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म फॉसल फ्यूल्स सो ओवर अलग टाइम हीट एंड प्रेशर टर्न दीज रिमेन्स इन टू फॉसिल फ्यूल्स तो बहुत बहुत सालों तक जैसे मैंने आपको बताया जब हीट और प्रेशर इन प्लांट्स और एनिमल्स पर पड़ता रहता है पढ़ता रहता है तो वो बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सो कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स दैट अकर इन नेचर ये नेचुरली फॉर्म होते हैं तो पहला नॉन मेटेलिक मिनरल है कोल कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक इट इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स तो कोल जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये फॉर्म होता है प्लांट्स के प्लांट से फॉर्म होता है अब कैसे फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इयर्स अगो देर थिक फॉरेस्ट ग्रोइंग इन द स्वैम्प्स बहुत बहुत साल पहले मिलियंस ऑफ इयर्स अगो स्वैम्स स्वैम्स यानी दलदल दलदल वाला जो एरिया होता है उसमें बहुत घने फॉरेस्ट ग्रो हो गए थे Now, as As the trees trees of these died, died they got buried in swamps. more so, तो swamp more and more trees died on top, squeezing those below. अब कुछ दबे हुए हैं नीचे स्वैम्प में उसके ऊपर और ट्रीज गिरे उनके ऊपर और ट्रीज गिरे तो ऐसा कर करके जो सबसे नीचे ट्वीज थे वो और नीचे दबते चले गए और यही हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स की ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने सीखा था कि सैंड पेबल्स ये सब पानी में नीचे ओशंस में जाके डिपॉजिट होते रहते हैं उनके ऊपर लेयर्स बनती रहती हैं और जो नीचे वाले बिलो वाली जो नीचे वाली लेयर होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है यही चीज यहाँ पे भी हो रही है द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे सैंड पेबल्स की बजाय प्लांट्स हैं ट्रीज हैं जो नीचे दबे जा रहे हैं वो बन जाते हैं कोल नाउ नेक्स्ट ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दिज रिमेन ग्रेजुअली चेंज इन टू कोल और फिर हीट और प्रेशर जब उनपे पड़ता जाता है पड़ता जाता है तो ये धीरे धीरे ये जो रिमेन्स हैं ये कोल में चेंज हो जाते हैं नाउ सिंस सन्स एनर्जी मेक्स प्लांट्स ग्रो कोल दस हैज सन एनर्जी स्टोर्ड इन देम फ्रॉम मिलियंस ऑफ इयर्स अगो अब स्टूडेंट्स कोल में एनर्जी कहां से आई प्लांट से क्योंकि तो वो प्लांट से बने हैं अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सन की एनर्जी चाहिए होती है इसलिए कोल में सन की एनर्जी स्टोर्ड है फ्रॉम मिलियंस ऑफ इयर्स अगो नैक्स्ट नॉन मेटेलिक मिनरलेस पेट्रोलियम लिविंग इन हैं, वो मर जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स हैं, जो उनकी बॉडीज है वो नीचे सी में चली जाती हैं। वहां पे डूब जाती हैं, नीचे जाके मोर एंड मोर sediments कलेक्टेड ऑन द टॉप और फिर उनके ऊपर ऑल प्लांट्स और एनिमल्स मरे हुए कलेक्ट होते चले जाते हैं यहाँ पे सेडिमेंट्स रेफर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मर चुके हैं वो उन पुरानी लेयर पर ऊपर कलेक्ट होते चले जाते हैं एंड देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्लोली टर्न इन टू पेट्रोलियम ड्यू टू प्रेशर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स और यही प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे प्रेशर की वजह से मिलियन ऑफ इयर्स में टर्न हो जाते हैं पेट्रोलियम में एंड लाइक कोल पेट्रोलियम ऑल्सो हैज सन एनर्जी स्टोर इन इट और जैसे कि मैंने आपको बताया था कोल में सन एनर्जी स्टोर होती है पेट्रोलियम में भी सन एनर्जी स्टोर होती है एंड पेट्रोलियम वी ऑल नो इज यूज एज फ्यूल पेट्रोलियम को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं अपनी कार्स में अपनी बाइक्स में अपने स्कूटर्स में राइट इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स केमिकल्स कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक्स तो ये सारे यूजेस होते हैं पेट्रोलियम के तो so, अब हमने सीख लिया है कोल कैसे बनता है और पेट्रोलियम कैसे बनता है नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम अदर यूजफुल मिनरल्स सो फर्स्ट इज ग्रेफाइड ग्रेफाइट ये ऐसा मिनरल होता है विच इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल्स हम जो पेंसिल्स यूज करते हैं वो इस मिनरल से ही बनती है ग्रेफाइट ये देखिए ये पेंसिल है और ये दिखाया हुआ है इधर मिनरल जो ग्रेफाइट है तो ये पेंसिल इसी मिनरल ग्रेफाइट से बनती है नेक्स्ट यूजफुल मिनरल इज फ्लोराइट ये देखिए ये पिक्चर होती है फ्लोराइट की ये मिनरल है और ये यूज होता है फॉर मेकिंग टूथपेस्ट जिस टूथपेस्ट से हम अपनी ब्रश करते हैं उसमें ये ऐड होता है फ्लोराइड मिनरल अब अगला यूजफुल मिनरल है गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों ही बहुत ही प्रेशियस मिनरल्स होते हैं एंड दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये है गोल्ड और ये है सिल्वर नेक्स्ट वी हैव जिप्सम इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड मेनी अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स तो ये जिप्सम मिनरल ऐसा दिखता है ये पिक्चर को देखिए ये होता है जिप्सम और ये यूज होता है टू मैन्युफैक्चर सीमेंट सीमेंट को बनाने के लिए और और भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो बनते हैं उनमें ये यूज करा जाता है नेक्स्ट वन इज सिलिका सिलिका इज यूज्ड इन ग्लासेस सिरेमिक्स एंड पेंट्स तो ये देखिए ऐसा होता है सिलेिका और ये यूज होता है ग्लासेस को बनाने में सिरेमिक्स जो पॉट्स होते हैं वासेस होते हैं उन्हें बनाने में और पेंट्स को भी बनाने में यूज किया जाता है नेक्स्ट यूजफुल मिनरल इज आयरन आयरन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील किचन अप्लायसेस शिप्स एंड ट्वेंस तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप इस पिक्चर में ये होता है आयरन ये जो सारे पत्थर हैं इनमें आयरन प्रेजेंट है इनको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है इन्हें हीट अप किया जाता है जिससे कि मेल्ट हो जाते हैं और हमें मिलता है आयरन और आयरन को यूज करा जाता है टू मैन्युफैक्चर स्टील किचन के बर्तन बनाने में या कुछ और अप्लायंसेस बनाने में शिप्स को बनाने में और ट्रेन को भी बनाने में आयरन का बहुत ज्यादा यूज होता है नेक्स्ट वन इज टंगस्टन टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब तो ये होता है टंगस्टन मिनरल और इसे यूज करा जाता है टू मेक बल्ब एंड द लास्ट यूजफुल मिनरल इज क्वार्ट्स क्वार्ट्स इज यूज इन वॉचेस एंड क्लॉक्स तो ये है क्वार्ट्स मिनरल जैसे कि आप इधर देख सकते हैं और इसे यूज करा जाता है वॉचेस में और क्लॉक्स में घड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स नाउ लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू वन इज ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रॉक्स तो ग्रेनाइट है वो एग्जाम्पल है कौन से टाइप ऑफ रॉक्स का यस इग्नियस रॉक्स नेक्स्ट वी यूज डैश स्टोन टू क्लीन आर फीट हम कौन सा स्टोन यूज करते हैं अपनी फीट अपने पैर साफ करने के लिए यस प्यूमिस नेक्स्ट मार्बल इज अ डैश रॉक टेल मी मेटामोल्फिक रॉक मार्बल इज अटामोल्फिक रॉक नेक्स्ट वन डैश लेयर ऑफ अर्थ मेक्स अप 80 परसेंट ऑफ द अर्थ लेयर ऑफ अर्थ मेक्स अप 80 परसेंट ऑफ द अर्थ स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूं चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट पर तो उसे भी जरूर देखिएगा नाउ लेट सॉल्व सम ट्रू और फॉल्स फर्स्ट प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स क्या गोल्ड और सिल्वर यूटेंसिल्स बनाने में यूज होते हैं नहीं इट इज फॉल्स उन्हें यूज करा जाता है ज्वेलरी बनाने में नेक्स्ट ब्लैक गोल्ड इज अनदर नेम ऑफ कोल्ड क्या ब्लैक गोल्ड कोल का दूसरा नाम है नो ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है पेट्रोलियम का दूसरा नाम होता है ब्लैक गोल्ड शेल इज यूज एज एन ऑर्नामेंटल रॉक शेल को ऑर्नामेंटल रॉक की तरह यूज करा जाता है इज इट ट्रू नो शेल को यूज करा जाता है टाइल्स ब्रिक्स ये सब बनाने में यूज करा जाता है एंड द लास्ट वन इज टस्टन इज यूज टू मेक फिलमेंट इन साइड बल्ब ये हमने पढ़ा था कि टंगस्टन बल्ब बनाने में यूज होता है सो so तो दिस मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग सीन द नेक्स्ट वीडियो